जहाँ पर होस्टेड है वो ज़रूर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है एक्सटेंसिव हाइट्स के अंदर, लेकिन ओवरऑल क्वांटम पे थोड़ा एक बैलेंस करता है एक्सटेंसिव हाइट्स के अंदर, लेकिन ओवरऑल क्वांटम पे थोड़ा एक बैलेंस यूटिलिटी का यूज थॉर की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक साथ दो प्लेयर्स को ऐड करके आते हुए टीम मैग्नस ईस्पोर्ट्स गोइंग फॉर द थर्ड रही है ऑब्वियसली टीम स्टार की सैनहॉक के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस के, लेकिन टीम H2E के प्लेयर्स दोनों के दोनों प्लेयर्स को पकड़ा गया रंगे हाथ, संभाल जरूर है और इसका जवाब टीम द अल्टीमेट मुझे फेंकना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यह बहुत बेहतरीन फैसला होने वाला है काफी करीब आते हुए, लेकिन एक स्प्रे के अंदर दो खिलाड़ी भी घुटनों पर लेकर आए जा सकते थे, लेकिन एडगार कोशिश करते हुए HR के नेट जाएगा और का किल कंफर्म होगा M7 शामिर के नेट। W अभी तक 4-man स्टैंडिंग है, टीम X जनरेशन के दो ही प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, जनरेशन के थग पकड़ते हुए वसी को नॉक कर दिया जा चुका है, पोजीशन भी रिवील होती हुई, लेकिन थग भी साथ क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगेगा 3x मुश्किलात में तो बहुत ज्यादा है, एक प्लेयर को गिरा दिया टू की तरफ से और एक साइड के प्लेयर, बाकी के दो प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक प्लेयर को जी को मजबूर किया जा चुका है कि वो अपनी पोजीशन छोड़े, मोहब्बत हो गई है कि उसके पीछे स्ट्रेटजी यही थी कि ही इज देयर बेस्ट मैन, गलत तरफ देखते हुए उधर नहीं देखना लेकिन पकड़ा जाएगा डिवाइड की तरफ से, एक प्लेयर को गिरा दिया, लेकिन इविल बॉय को अंदाजा हो चुका है दूसरे प्लेयर कहां पर मौजूद, दो प्लेयर्स नॉक हुए लेकिन जनाजा अपना काम करते हुए बासानी आप यहाँ पे नॉक निकालने की कोशिश करेगी या फिर और बिल्कुल भी डरते हुए नजर नहीं आते, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, नॉक निकाला जाएगा एडगर नजर है सरपाव, बहुत ही बुरा बैक स्टैब, मैग्नस ईस्पोर्ट्स फाइंड आउट स्टार की अभी के लिए स्टार जिस जगह पे मौजूद है, जिस तरह से आने का जब आगाज हम देख रहे हैं टीजी के एक दो और तीसरे प्लेयर को भी लॉबी की तरफ भेजने की कोशिश, और इसी के साथ साथ एक 4v1 सिचुएशन एंगेज करने के लिए फास्टर का क्लोज इन आना, यहां पर ठग को भी गिरा सकता है, ठग गिरेंगे यहां पर शाहिर इनको परफॉर्म करता हुआ मैंने पीएमएल में भी देखा था, लेकिन वो QR रीसेट करने में भी कामयाब हुई, लेकिन बहुत एक एक्सटेंसिव फाइट उठाने वाली है एंट्रियां विकी दोस्त के साथ साथ को, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलने वाला है यहाँ पर टीम नेगेटिव के प्लेयर को, अगर क्या रहेगा यहाँ पर टीम नेगेटिव के प्लेयर्स को, प्लेयर यहाँ पर करीब में मौजूद है 1v1 फाइट 1v1 वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और पहला नॉक TFD के ऊपर हेल्सी पुशन कर रहे हैं, हेल्सी इज गोइंग फॉर दैट सेफ प्लेस, लेकिन सेफ प्लेस अब नहीं मिलने वाली, आखिरी ड्रॉप शॉट को कील लगानी है, वहीं पर पुश आता है सामने से और ड्रॉप शॉट नॉक डाउन हो जाएंगे, आखिरी प्लेयर इस वक्त के लिए लल्लू मौजूद है, लेकर गुक मोड़ा के जाएंगे मिस करते हुए नजर आते हैं सामने से, UMP चलेगी और पिंक मैन इस गलती का फायदा उठाते हुए ऊपर जाएगी, टार्जन को रिवाइव मिल सकता है एंड आई बिलीव ड्रॉप शॉट पहला नॉक निकालते हुए जनाजा को थर्ड पार्टी किया गया 7A की तरफ से, ओह माय गुडनेस नॉक हो जाएगा, लेकिन वहीं पर देख प्लेयर बाहर आएंगे डॉक्टर पटावे से कॉपरेट हो जाते हैं और H2E के सामने से ग्रेनेड आएगा, सामने से ग्रेनेड H2E से कि उसको साथ करना चाहती है और टोक्यो सॉरी लुक एट टैपी दूसरी बार नॉक होते हुए, लेकिन बिल्कुल मिल रहा था किस तरह से उनका एक नॉक होता है इंस्टेंट कवर के लिए, ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा टीम 7E के प्लेयर के लिए, एंड देयर यू गो डिवाइन को वोल्टर की तरफ कोई हलचल ओके